पाकिस्तानी दहशतगर्दा दा पारा दे विच कुसपैठ दा वीडियो सामने आया। इस वीडियो दे विच साफ देखा जा सकता है कि सरहद ते कुसपैठ रोकन बदले पाकिस्तानी रेंजर्स किवें दहशतगर्दा दी मदद कर रहे ने। भारत पाकिस्तान सरहद च कुसपैठ दी तस्वीर 45 दिन पुरानी है। पाकिस्तान बॉर्डर तो भारत दे विच ए दाखल हो रहे ने। 11 जुलाई नूं कुसपैठ दी तस्वीर हाई रेजोल्यूशन कैमरे दे विच रिकॉर्ड हुई तो भारतीय फौज ने इसकी सूचना पाकिस्तानी रेंजर्स नूं दे दित्ती। रेंजर्स ने पहला तो दहशतगर्दा दे घुसपैठ की गल मनण तो ही इनकार कर दिता, पर जदों मनिया तो महज खाना पूर्ति करके चले गए अते ए दहशतगर्द घुसपैठ करन दे विच कामयाब रहे। पाकिस्तान दे विच पल रहे दहशतगर्द अपने मनसूबिया दे विच कामयाब ना हो सकन, इस दे लई भारत अपनी सरहद नूं मजबूत बना रहा है। एलओसी ते कंडियाली तारा दे अलावा लेजर वॉल, ग्राउंड वाटर सेंसर, इलैक्ट्रो ऑप्टिक सेंसर वर्गे उपा किए जा रहे हैं। सरहद ते घुसपैठ रोकन दे लई मधुकर कमेटी दीआं सिफारशां नूं सरकार लागू करन ते विचार कर रही है। आखिर की कुछ जो है सुरक्षा दे मद्देनजर किया जा रहा है, इस रिपोर्ट च देखो। मैनूं दिओ इजाजत, धन्यवाद। एलओसी तो हुण नहीं वड़ पाउण के दहशतगर्द, सरहद ते सनमारी हुण पवेगी दहशतगर्दां नूं भारी। अभेद होवेगी एलओसी, बॉर्डर की सुरक्षा। ਉਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕੰਧ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੌਤ। ਉਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਬਣੀ ਫੈਂਸਿੰਗ ਹਾਈਟੈਕ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਫੈਂਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਫੈਂਸਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਰੀਆ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਲਈ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਸੈਂਸਰ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੇਜ਼ਰ ਵਾਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਸੈਂਸਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਆਪਟਿਕ ਸੈਂਸਰ ਲੱਗਣਗੇ। ਘੁਸਪੈਠ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਈਕਰੋ ਐਰੋਸਟੈਟ ਬੈਲੂਨ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਪੋਲੀਐਚ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਟਿੰਗ ਰਡਾਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜੋ ਮਧੁਕਰ ਗੁਪਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਰੈਕਮੈਂਡ ਕੀਆ ਹੈ, ਅਗਰ इनको फेज वाइज लागू कर दिया जाए तो ये तो बहुत बुलंद है तरीके टेक्नोलॉजी के साथ। सरहद की सुरक्षा बढ़ाने के लिए फैसला मधुकर गुप्ता कमेटी रिपोर्ट के आधार पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह और एनएसए अजीत डोवाल की बैठक तो बाद लिया गया। इस तो बाद कश्मीर तो कच्छ के रण तक पाकिस्तान के नाल 2900 किलोमीटर की सुरक्षा अभेद हो जाएगी। पंज लेयर वाली यह सुरक्षा व्यवस्था अजिही होगी जिसनू पार करने की कोशिश करने दे विच दहशतगर्द मारिया जाएगा। कुछ पहला ही दहशतगर्दों के खिलाफ ऐसे क्वाड कॉप्टर का इस्तेमाल कर रही है जो जमीन तो 15-20 फुट उपर उड़ते हुए नजर रख। उरी हमले के इजराइल भी भारत को सरहदी सुरक्षा के लिए फेंसिंग बनाने की मदद का मता दे चुके हैं। बॉर्डर ते घुसपैठ रोकने लिए इजराइल की सुरक्षा व्यवस्था दुनिया भर में बेहतरीन मानी जाती है। कुछ दिनों में भारत की सुरक्षा व्यवस्था भी अजिही होगी कि जे दहशतगर्द सरहद पार करेंगे तो उन्होंने मारिया जाना तय। मनीष शुक्ला, जी मीडिया, दिल्ली।